हेलो गाइस, वेलकम टू द घर। और आज मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ और ये है हमारे पार्थ के मेरे मतलब फेवरेट राजमा चावल। और यहाँ पर मम्मी बना रही है मैगी, उसके लिए गर्म पानी सेक लिया है और अनियन सेक लिया है। पर ये तो राजमा में जाएगा, पानी तो राजमा में जाएगा पर। और अभी मैगी तो बन गई है, चलो नाश्ता शुरू करते हैं। अभी बहुत गर्म है ये। और ये मैं आया मैगी का, मैगी खाने के लिए। और ये मैंने सबसे पहले मम्मी ने मुझे दिया। और फिर मम्मी कहीं जा रही थी डैडी के साथ, डीमार्ट जा रही थी मम्मी। और मैं आपको डीमार्ट में मिलता हूँ। और इधर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे हम लोग, और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब डीमार्ट पहुँच गए और कब हम डीमार्ट से बाहर निकले। और यहाँ पर डैडी फ़ोन देखते देखते चल रहे थे और थोड़े से बातें भी कर रहे थे। और फिर मम्मी बहुत जोर से हंस रही थी। और मम्मी और डैडी ने ये ख़रीदा, वो भी डी मार्ट से। और मैं उस टाइम तो अनु घर चले गए हैं और मैं धनिया लेके जाऊंगी क्योंकि आज राजमा बनाना है ना। तो बस दोनों रोड अलग अलग हो गए, अब मैं आ गई हूँ धनिया लेने। गाजर कैसे हो गई? चालीस रुपये किलो धनिया दे दो। तो धनिया मैंने ले लिया है और बस अब घर जाके ना आज मतलब अभी देखो एडिटिंग सुबह करने बैठी थी, वो भी कंप्लीट तो नहीं हुई है, बस थोड़ा बहुत किया है, मतलब 5 मिनट का एडिट किया है। और अभी खाना बनाने का टाइम हो चुका है, खाना बनाऊंगी। बिस्तर नहीं लगाया था क्योंकि बैठ के सुबह से एडिटिंग कर रही थी। फिर अनूप डी मार्ट आ रहे थे ना, तो मेरे को लगा कि मम्मी के लिए भी कुछ भेजना है, सासू माँ के लिए भी कुछ भेजना है। तो जैसे मम्मी के लिए अखरोट और वो भेज दे रही हूँ अगरबत्ती, सासू माँ को बनाना चिप्स और जैसे बहुत सारी चीज़ें उनको जो पसंद है। सासू माँ को ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए मम्मी को, क्योंकि बच्चे इतना ड्राई फ्रूट ला के घर में ऑलरेडी ससुराल में पड़ा रहता है। हमारी मम्मी ड्राई फ्रूट नहीं खरीदती हैं, वो उनको तो च्यवनप्राश के लिए भी 10 बार बोलना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला जिसकी जो ज़रूरत है वो ले के जाते हैं, दे देना उन लोगों को, एटलीस्ट सर्दी है थोड़ा खाएंगे। तो जिसकी जो पसंद है वो सामान खरीद के भेज दिया है। अब जाऊँगी नहाऊँगी, खाना बनाऊँगी, एडिटिंग फिर रुक जाती है यार। चलो रात ही ना मैंने राइस चढ़ा दिए, 11:30 हो गए क्योंकि। और यहाँ राजमा में देखो 1 चम्मच घी, 1 तेज़पत्ता, नमक और 1/2 चम्मच होममेड गरम मसाला, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम क्योंकि अब मैं बाद में नहीं मिलाऊंगी, ऑलमोस्ट खड़े मसालों को काम करेगा ये। और हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च, बस अब इसको सीटी लगाएंगे, अपना अच्छे से उबलता रहेगा। और यहाँ मेरे राइस सब उबलेंगे तो खाना बनाएंगे। और ये सामान अभी लेके आया जस्ट, और ये मेरा धनिया, अब काम करूंगी लग के। तो यहाँ पर तो छत में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारी विंडो से ही इतनी सारी धूप आती है। और मेरी मम्मी रोज़ जब भी मैं नहाता हूँ तो मुझे बनियान और कच्छा पहनाकर इधर धूप देखने को बोलती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक्स भर गई थी, इसलिए वो उनको खाली करने के लिए मतलब कि बेचने के लिए उसको इधर इधर देख रहे थे। और उन्होंने मेरी ड्राइंग भी दिखाई। और ये है मेरा टेबल, मेरा मतलब कवर्ड। और मम्मी इसको साफ कर रही हैं और मम्मी को देखो कितना मज़ा आ रहा है साफ़ करने में, और देखना। और मुझे तो और भी अच्छा लगेगा। और जब भी मैं ये सब देखूँगा तभी मैं तो चौंक जाऊँगा, और आप सब भी देखते रहना मैं कैसे चौंकता हूँ। और यहाँ पर मेरा ग्लोब भी साफ कर दिया है। और ये मेरी पेंसिल बॉक्स, ये मेरी पेंसिल बॉक्सेस है मेरा मतलब। और ये मेरा रोनाल्डो का बारी कब आएगा ये तो नहीं पता, पर ये आ गया रोनाल्डो की बारी। और रोनाल्डो कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था। और ये देखो मेरा न्यू टेबल, और ये है मेरी न्यू किताब। और अभी मैं इस पर हर रोज़ ड्राइंग करूँगा। और ये मेरी टाइनी डिटेक्टिव वाली बुक तो अच्छी लग रही है ना। और यहाँ पर लगा दी चेयर,
और इन सब को रखेंगे हमारे जहाँ पर रखना है हम वहाँ पर रखेंगे, पर ऐसे नहीं कि गंदे में रख देंगे। और ये देखो मैंने क्या ड्राइंग्स बनाई है, ये मेरी स्केचेस है यहाँ, किसी और की मत समझना। दिखने में अच्छा लग रहा है कि बुरा? और मैं तो वैसे भी ऐसी पेंटिंग्स बनाता हूँ, इसलिए मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखता कि मैं ऐसी बनाते रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता, फिर भी मैं बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखो मेरी उलट पुलट वाली ड्राइंग्स, और ये देखो मैं तो सोनिक बनाते रहता हूँ, ये गलत बन गया था, और मैंने बैड लायर वाला गाना लिखा था, और ये मेरा कैप्टन अमेरिका पार्ट, ये सब मैंने किया था, और मम्मी और भी दिखा रही है तो भूलना मत देखना। और ये रहा मैं, हमारा बेडरूम साफ हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पर मेरी मम्मी इधर बना रही है राजमा चावल, उसके लिए टमाटो और ये सब तो ले लिए, और वो अभी राजमा बना रही है। तो अभी इसको बस अब मैं तैयारी करके गई थी, प्याज लहसुन अदरक सब कट करके गई थी, अब तड़का लगाऊंगी और उसके ऐसा होता है मेरा एडिटिंग, अभी तक एडिटिंग के लिए सुबह बैठी थी बड़ी जोश के साथ पर कर नहीं पाई। चलो अब ये लोग आने वाले होंगे, 2:30 बजे तक तो आ ही जाते हैं, तो मैं फटाफट से राजमा तड़का लगाती हूँ और प्याज काटूंगी बस इसके संग। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. So guys, और ये है हमारा कड़वा थोड़ा सा माड़, और मैंने तो एक ही घूट पिया था क्योंकि मुझे कड़वा लग रहा था, पर मम्मी ने मुझे सारा पिलाया नहीं, खुद पी गई मम्मी, और मैंने तो सिर्फ एक ही खाया, और यहाँ पर बन गए हमारे राजमा चावल। और देखो कितने अभी अच्छे लग रहे हैं, जब तक ये अच्छे नहीं दिखेंगे, ऐसे टाइप पे नहीं दिखेंगे, तब तक आप इसको ऐसे उबालना मत छोड़ना, ऐसे करते रहना 10 मिनट तक। मेरी मम्मी ने बट 1 मिनट तक किया क्योंकि उनको पता है, और अभी वो 10 मिनट तक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे राजमा चावल मिक्स हो रहे हैं, और देखो मिक्स होते ही ये राजमा चावल कैसे दिख रहे हैं, और देखो इस ये भी कितने स्टाइलिश लग रहे हैं। और अभी इसमें डालेंगे धनिया, जो मेरा फेवरेट है, जिसको मैं खाना चाहता हूँ हमेशा। और यहाँ पर मेरी मम्मी बर्तन धो रही हैं, और फिर ये साफ किया कुकर, और फिर मेरी मम्मी ने ये भी साफ किया, ये तो मैंने कभी मम्मी को साफ करते हुए देखा नहीं है, पर आज तो किया, और मम्मी ने हाथ बटाया। मम्मी बहुत सारे काम करती है, जब से डैडी गए ना तब से ही झाड़ू मारती रहती है और सारा पोछा भी मारते हैं, इसलिए डैडी नहीं है तो उनको सारा काम करना होता है, और उन पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि मैं उनको काम पर लगा देता हूँ, नहीं, मैं भी कुछ काम करता हूँ, जैसे मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ और मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी सी, मम्मी का टेस्टी टेस्टी खाना खा रहा हूँ। और बाबू वो वाला बैग ले जाओगे, ग्रीन वाला, विराज वाला जो था,
सबसे छोटे वाला जाता है, एक तीन साइज आते हैं। कहाँ क्या जाना है, कौन सा वाला दिखाओ? क्या बाहर वो बैग कपड़े वाला जो विराज का था? मैं प्याज में काटा हुआ है, ठीक है। तुम तीनों खाओ, मैंने अभी जस्ट चावल का पानी पी लिया। है पीते हैं, अच्छा होता है बॉडी के लिए। बचपन में खाया भी नहीं है तुमने? अभी तो आया ही है, 15-20 मिनट पहले खेल के आ रहा है सुबह से। मैंने बोला अभी बस तुम आए हो, मैं इधर आई हूँ लेटी हूँ खाना बना के, तो इतनी देर में तुम लोग बैल बैठ गए। नहीं मैंने तो बोला था चाय की भी जरूरत, कोई आएगा तो मैं ले लूँगी, खाना खाते टाइम मैं चलाऊंगी। मैं इसको शाम को नहीं लेके जाऊँ क्या? आप जानो मैं क्या जानू, शाम को नहीं लेके जाना। मैं रोने वाले बच्चे नहीं पसंद है मुझे, मेरा बेटा रोए जो मैं कभी नहीं रोता। कुछ बच्चे मम्मी पे भी जाते हैं बुढ़ो, कुछ बच्चे मम्मी पे भी जाते। तो गाइस यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, दिन का खाना डालने का काम विराज का है। कौन सी मिर्च इसमें? ये गंदा तेज वाला प्याज होगा देखना। चल बेटा आजा खाना खाने, आजा। तो वही यहाँ पे टी टाइम भी हो चुका है, 3:30-4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं पता नहीं, टाइम देखो तो 4:15 बज रहे हैं। और मुझे वॉइस ओवर करना है ना, तो थोड़ी सी चाय चाहिए क्योंकि मेरा गला बहुत खरखरा रहा है। ये पता है ब्राउन शुगर नहीं है, ये गुड़ है, गुड़। तो इसको लास्ट में डालूंगी क्योंकि चाय फट ना जाए। ये दो पैकेट पड़े हुए थे तो मैंने सोचा आज इसको यूज़ कर लेते हैं। और पहले सोच रही थी काली चाय पीऊँगी लेकिन नहीं, ओह मौसम थोड़ा ठंडा है ना तो ये वाली पियेंगे। चलो 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 कोई अच्छा वाला शॉपनर, अच्छा अच्छा शॉपनर दो यार। ये अच्छा शॉपनर नहीं हो रहा इससे, अपने उसे स्कूल बैग से निकाल देते ना। अच्छा मुझे है तो इतने इसमें इतना आलस क्या बात है, मुझे समझ नहीं आया। लेके आओ जल्दी। यहाँ पर मेरी मम्मी मेरी पेंसिल सी छील रही है ताकि मैं ड्राइंग कर सकूं। और मम्मी इतना काम कर रही थी उस दिन और आज भी कितना काम किया है। मम्मी तो थक ही जाती है, थकती भी नहीं है फिर भी। और उनको तो अपनी व्लॉगिंग की एडिटिंग करनी पड़ती है चाहे कुछ भी हो जाए। और ये देखो मेरी सारी पेंसिल्स बॉक्स, और लग रही है ना सबसे कूल। और मैं इधर थोड़ा अपसेट हूँ क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था मम्मी क्या कर रही है। मुझे लग रहा था मम्मी इसको कलर कर रही है, तो मैंने बोला मम्मी आप इसको कलर कर रहे हो? मम्मी ने बोला नहीं। और अभी मम्मी चाय इसमें पिएगी और देखो इसमें तो फॉग आने लग गए। और देखो ये कितनी कूल लग रही है। और आप इसको गर्मी के टाइम, आप इसको सर्दी के टाइम में भी पी सकते हो, या फिर अगर आपको ठंडा लगता है तो पी लेते हो। बस बड़े बच्चे बड़े लोग। यस खुश हो? हाँ एक ही खराब करना अभी। अच्छा बेटा नहीं, टेबल पे जाके, टेबल बिस्तर पे नहीं बेटे। चेयर पे बैठ, वेरी गुड। तो भाई पार्थू वहाँ पेंटिंग करेगा, मैं यहाँ वॉइस ओवर भी करूँगी चाय पी के क्योंकि गला बहुत खरखर आता है मेरा। ओ अपना नाम तो लिखा करो पहले, सबसे पहले बड़ी पेंसिल यूज़ करो। कुछ भी नाम लिखो। नहीं बेटा ऐसे क्या बात होती है, ये लो प्लीज मम्मा, ये लो। तो हे गाइस पता है कितने 7:02 है। मैं शाम से ही ना आई थिंक चाय बनाने के बाद से बस इतनी ज़्यादा व्यस्त हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी मेरे ऊपर ना एक प्रेशर है कि मुझे 1 घंटा है मेरे पास, इस 1 घंटे में मुझे खाना भी बनाना है, वीडियो भी अपलोड करनी है, पार्थ को रेडी भी करना है, खुद भी रेडी होना है क्योंकि अनुप कल जा रहे हैं दिल्ली। तो आज उनको ये कि नहीं पार्थ को तुमको लेके आज एक बार मॉल जाऊँगा, वो न्यू ईयर के लिए जो डेकोरेशन हो रखी है उसमें पार्थ को झूला झुलाना फलाना है ठिकाना है सब कुछ। और बर्तन वो माँज के गए थे और हम इस बीच में ना उदित भाई के घर भी गए थे,
एक्चुअली उदित भाई के फादर एक्सपायर हो गए थे तो वो अलीगढ़ से फिर अभी आए थे, तो वहाँ ज़्यादा नहीं बैठे, हाफ एन आवर बैठे होंगे बस। और फिर वहाँ से एक्चुअली मैं आज वॉइस ओवर नहीं कर पाई क्योंकि मैं पहले इस कमरे में मैंने किया और यहाँ से इतनी नॉइज़ आ रही थी, वहाँ पे विराज और अनूप बैठे हुए थे, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी कि तुम लोग जाओगे तो मैं करूँगी। फिर उदित भाई के घर से आते ही मैं बस वो कर रही हूँ, वॉइस ओवर करके भी एक्सपोर्ट पर लगाया है मैंने वीडियो, तो ना अब खाना बनाना है, बहुत सारा झंझट हो रहा है यार। तो ठीक है, यहाँ तक की अपडेट मैंने आपको दे दी, अब मैं जा रही हूँ कैमरा बंद करके बस पूजा करूँगी, खाना बनाऊँगी, जितना जल्दी मैं जो सब कर सकती हूँ वीडियो भी अपलोडिंग पे डालूंगी। आप लोगों से बड़े उससे कम्युनिटी पोस्ट डाल के कह तो दिया कि आना, ओ तो आप लोगों को बड़े उससे कह तो दिया जल्दी कल जरूर वीडियो देखना, और अभी तक खुद तक पोस्ट करी नहीं है मैंने, वो जो हम गए थे ना मलशेज घाट वो वाली। चलो अब मिलती हूँ बहुत देर बाद। बेटा अच्छा तो ये गाइज 8:52 हो रहे हैं, यहाँ 7:52 हो रहे हैं, और यहाँ पे मेरी आलू गोभी की सब्जी भी रेडी है, पाठकू खाना भी खा रहा है, ये मेरी लास्ट रोटी है, और यहाँ वीडियो भी अपलोडिंग पे लगा रखी है। तो यहाँ इतनी जल्दी जल्दी मैंने 1 घंटे से भी पहले ही खाना वाना बना के वीडियो भी अपलोड करी किसी तरह से, और ये दोनों आए ही नहीं। फिर पार्थू का मन हुआ कि मम्मी मुझे हलवा खिला दो, कल विराज भी जाने वाला है तो इन लोगों को बेसन का हलवा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो रात के 10:30 मैं ये हलवा बना रही हूँ और पार्थी हम मेरे संग बैठ जाता है, वही देखो टेबल लेके बैठा है अपनी। अब उसको ना ऐसा हो गया कि मुझे बस ये टेबल जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, और जहाँ थोड़ी सी गलत बोल देता है ना तो देखो इसका मुँह कैसे उतर जाता है। तो मैं इसको कह रही हूँ कि भाई तू क्यों इतना इरीटेट हो जाता है, तू पहले याद कर फिर बोल। तो यहाँ बात करते करते दोनों माँ बेटा हलवा पका रहे थे, और एक्चुअली विराज के लिए बना के रख दे रही हूँ क्योंकि वो जब भी आता है ना तो एक बार हलवा तो खाता है। इस बार मैंने कई महीनों से हलवा बनाया ही नहीं था, आज थोड़ी ठंडक सी हो रही थी, फिर कल चला भी जाएगा, और पता आते हुए मेरे लिए इतना सारा गाजर का हलवा भी लेके आया था, तो हमारा भी बनता है ना कुछ कि उसको खिला दें। तो यहाँ ये देखो हलवा बना के रख दिया है, अब ये लोग खाएँगे, अब कुछ शूट नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे मिलूँगी आपसे, आ जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द घर, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। तो भाई आज है ना अनूप दिल्ली जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं आज ब्लॉग शूट कर पाऊँगी कि नहीं, सुबह से सोचा था नहीं कर पाऊँगी, और ये भी सोचा था आज नहीं करूँगी, तसल्ली से इन लोगों का काम पैकिंग खाना वगैरह सब कुछ करना है, क्योंकि 6 बजे ना 9 बजे की फ़्लाइट है तो 6 बजे ये लोग निकल जाएंगे, तो उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं जब कोई जा रहा होता है ना। तो पर मैंने सोचा यार फिर ऐसी डिशेस कभी कभी ही बनाती हूँ, जैसे आज पनीर दम बिरयानी बना रही थी, तो एक सेकेंड, तो आज जैसे पनीर दम बिरयानी बना रही थी तो मैंने सोचा भाई ये शेयर करना तो बनता है। और वैसे मैंने पहले अपने चैनल पे बनाई थी, अगर ये वाली समझना है डिटेल में देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पुराने वाले चैनल का मैं लिंक वीडियो का दूँगी, आप देख लेना। एंड बस आज कोशिश करूँगी ब्लॉग शूट करने की, तो चलो सुबह आलू के पराठे बनाए थे आपको दिखाया था शायद, और अभी बनाने जा रही हूँ पनीर दम बिरयानी है। लेकिन अभी देखो ये देखो बैड नहीं लगा है, पैकिंग वगैरह चल रही है ना यहाँ पे, ये देखो पैकिंग चल रही है, तो ये सब करना है, बहुत काम है गाइज आज, तो देखते हैं कैसा ब्लॉग बनता है, बनता है तो ज़रूर बना देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने अपना राइस को जो उबालने रखा है ना, इस पर भी मुझे पूरा ध्यान देना है कि ये ओवर कुक ना हो जाए, क्योंकि इसको भी तो बाद में 10-12 मिनट और कुक करते हैं हम, तो बस इसको 75-85% पकाना है मुझे, एंड इसको छान लेना है। यहाँ बरिस्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बरिस्ता क्या होता है, वो ब्राउन वाले अनियन जो कि बिरयानी में पड़ते ही पड़ते हैं। तो यहाँ इतने शिद्दत से मैंने सोचा आज पनीर दम बिरयानी बनाऊंगी इतने बिजी शेड्यूल में भी, और आपको पता है इतनी मेहनत करी और सारा का सारा काम ख़राब कर दिया मेरा इन चावलों ने। ये जो चावल थे ना ये मिनी मोगरा थे गाइस, और इनसे कभी भी बिरयानी मत बनाना, चावल जो बिरयानी होती है उसके अलग से राइस आते हैं वो लेने पड़ते हैं। आज मैं जल्दबाजी में इससे बना दिया, और जितने चावल मैंने आपको उस टाइम दिखाए थे ना वो सारे के सारे ना ओवर कुक हो गए, तो मुझे दोबारा से फिर से चावल बनाना पड़ा। मतलब मैं ऐसे नहीं कि बस कुछ भी खिला दूंगी, मैंने उस चावल को फ्रिज में रखा, नए चावल पकाए, इसलिए मैं आपके लिए शूट नहीं कर पाई, बस जो शूट कर पाई वही दिखा रही हूँ। तो मैंने आप सबके लिए गिफ्ट बनाया है और आपको मैं दिखाऊंगा भी, और पहले 3-2-1
क्या है ये? कैप्टन अमेरिका की बहुत पुरानी वाली शील्ड। ओह माय गॉड, आपने बनाया? यस। कब बनाया? अभी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया। और यहाँ पे बस अब आज अनूप निकलने वाले हैं, शाम हो गई है। तो ये देखो उनकी पैकिंग मैंने कर दी थी, बट उनको कहा कि एक बार देख लो, कहीं फिर कुछ कपड़े रह जाएंगे तो बोलोगे बाद में। और यहाँ पार्थू ने ना ये जो बनाया था, ये देखो इसका रोना धोना शुरू हो चुका है। डैडी जा रहे हैं ना, तो मैंने बोला था पहले बहुत इमोशनल हो रहा था, तो अब हम उसको सब छेड़ रहे हैं। तो अनूप यहाँ पर अपनी पैकिंग कर रहे हैं, और ये देखो बापू बेटा का प्यार। तो अनूप कह रहे रो तो नहीं रहे, तू रो तो नहीं रहे, और विराज वहाँ पर उसको छेड़ रहा है कि रो रहा है, ये रो रहा है। तो वही दिखा रहे हैं हम आपको कि पार्थू है ना इतना इमोशनल है इसको, लेकिन दो मिनट में भूल भी जाता है कि मम्मी है, डैडी हैं सब। ये देखो विराज इसको डेढ़ा, वो देखो ये कह रहा है मैं कसम खा रहा हूँ मैं रो नहीं रहा हूँ। तो हम सब इसको बहुत छेड़ रहे थे। बस अब अनूप निकलेंगे, और ये देखो यहाँ पे अनूप के पैर छू रहा है और गुब्बारा दिया अनूप ने इसका कि थोड़ा मन वो हो जाए। विराज को प्रणाम कर रहा है, और मैंने भी बस यहीं पे वीडियो का एंड किया गाइस। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप आपको पार्थू की वॉइस ओवर अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप नहीं हो हैं तो। वैसे आज 1 तारीख है, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। We can sit together, it's so beautiful, you and me.